सरकार द्वारा करीब 40 साल पहले पट्टे पर दी गई जमीन को पाने के लिए दर्जनों परिवार आज दिन तक जद्दोजहद कर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विभागीय चक्कर काटने और आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है, जिस कारण हमीरपुर के कोटगांव में दर्जनों बाशिंदों में गहरा रोष पनप रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में विधानसभा चुनावों के बहिष्कार करने की चेतावनी दे डाली है। वर्ष 1975 से भूमि के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे 30 परिवारों को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पट्टे पर 10 कनाल 11 मरले जमीन दी थी, लेकिन दो बार उच्चतम न्यायालय से भी केस जीतने के बाद भी जिला प्रशासन की लेट लतीफी के कारण आज दिन तक ग्रामीणों को जमीन नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से लोग पट्टे की भूमि पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि एक ओर तो सरकार अपने विधायकों को पट्टे दे रही है, तो दूसरी ओर इतने सालों से जमीन के लिए लड़ाई लड़ने पर भी समस्या हल नहीं हुई है। हमारी ये अलॉटमेंट जो है 1975 में अलॉट हुई थी, हमारे जो बुजुर्ग है वो भी केस लड़ लड़के खत्म हो गए हैं। अब ये दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, जो भी MLA आता है वो बोलता है कि हम ये फैसला करेंगे, कितनी पार्टी आ चुकी है। अब कोई भी पार्टी आएगी हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। आगे जो आने वाले चुनाव है, जब वो ही नहीं हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हमारा फैसला नहीं हो रहा, तो हम उनके बारे में क्यों सोचेंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा नहीं कोई फैसला होगा, तो हम कैसे वोट देंगे। हमें तो जितने भी मंत्री आते हैं वो यही आश्वासन देते हैं कि आपको ये जमीन का फैसला होगा, हम करवाएंगे। कोई नहीं करवा रहा है, देंगे ना कांग्रेस को ना जनता को, किसी को वोट नहीं देंगे। हमें 42 साल में इसका कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया। हम इतने तंग हैं कि अब आगे आने वाले समय में हम ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस के ऊपर विश्वास करते हैं। हमने ये केस रेवेन्यू कमिश्नर शिमला, हाई कोर्ट शिमला के ऑर्डर भी आ चुके हैं। 2-3 बार हम DC महोदय से भी मिले और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और आने वाले चुनाव का हम बहिष्कार कर। ग्रामीण चमन ने बताया कि आज 42 साल हो गए हैं और पट्टे पर दी गई जमीन नहीं मिल पाई है। चुनावों के नजदीक तो सभी आश्वासन देते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में सभी ग्रामीण चुनावों का बहिष्कार करेंगे। जमीन को अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम कोई और नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी जो दो पीढ़ी है वो जमीन को केस को लड़ते लड़ते खत्म भी हो गई, अब तीसरी पीढ़ी भी केस चला गया है। अगर सरकार के पास जमीन थी नहीं तो इसने दी क्यों, और हमें कोई जबरदस्ती में नहीं ली हुई है। हम इस कैटेगरी में आए, हमारा पूरा गांव जो है वो लैंडलेस है, और इन जितने भी ऐसी वर्ग है इनके पास किसी के पास भी अपनी मलकीत भूमि नहीं है। आज सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, विधायकों को पट्टे पे जमीनें दे रही है, कई कुछ दे रही है। विधायक कितने गरीब हो गए हैं कांग्रेस के, और जो गरीब लोग 1975 के लटके हुए हैं, जमीन के पीछे भागे हुए हैं, उनको जमीन दे नहीं रही है सरकार। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के विधायकों और पूर्व विधायकों को पट्टे पर जमीन देने के फैसले आने के बाद भूमिहीन कोटगांव के निवासी भड़क गए हैं, और दशकों से पट्टे की जमीन पाने के लिए संघर्ष करने के बावजूद भी जमीन न मिलने पर मांग को पूरा करने को लेकर विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने को तैयार हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KCHNR।